कीजिए, क्या है इरादा? चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। देखी चन से आवाज चिकन, कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज चिकन। तो हेलो, हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पहाड़ी ब्लॉग्स और मेरा नाम है क्या, अज्जू रोहतान। ठीक है, तो कैसा आप सब लोग। अभी शाम की बज रही है कितनी, 7 बज चुकी है। और एक ब्लॉग मैंने कल अपलोड किया था अपना, जो अभी मतलब एक हफ्ते लंबे काफ़ी लंबे टाइम बाद, मतलब काफ़ी हो गया वो एक हफ्ता वाला। तो मैंने एक ब्लॉग बनाया, जिसने अभी तक नहीं देखा है तो आप ये ऊपर आई का कुछ नोटिफिकेशन बटन आना होगा, उसमें उसकी ब्लॉग की लिंक आ जाएगी, आप उसमें जाइए या मेरा चैनल ओपन कीजिए और वो ब्लॉग देख के आइए और लाइक जरूर दबाइए एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस, क्या है कि आज मैं कर रहा हूँ एक बेहतरीन चीज़, काफ़ी टेस्टी चीज़, जिसे मैंने पहले भी ब्लॉग में एक बार ही डाला है, तो मैं बताता हूँ आपको वेट ऐसे लेना है। तो ये रहा भाई हमारा क्या, चिकन। ठीक है, तो मैं से मार्केट से लेके आया, ये कम से कम 1.5 किलो का है। इसे मैंने थोड़ा अभी धुला है पानी से, तो इसलिए अभी पानी छोड़ रहा है। तो इसे मैं क्या करने वाला हूँ आज, एकदम रोस्टेड चिकन, और मैं इसे रोस्ट करूँगा किसमें, चूल्हे में। हाँ जी, वही चूल्हा जिसमें मैंने पिछली बारी दाल बनाई थी। तो काफ़ी मज़ा आने वाला आज के ब्लॉग में, तो आप देखते रहिए मैं इसे कैसे मैरिनेट करूँगा, इसे कैसे इसमें कट पीसेस अभी कट लगेंगी, और उसके बाद मैं इसे रोस्टेड करने नीचे लेके जाऊंगा जहाँ पे मैंने चूल्हा तैयार किया हुआ है, उसमें अभी मतलब लकड़ियाँ लगा के आग लगा रखी है। तो मैं इसे जल्दी जल्दी इसमें कट लगाता हूँ और इसमें मसाला मिक्सचर करता हूँ और इसका मैरिनेशन करता हूँ। ठीक है, तो अभी बनी रहिए आप मेरे साथ। ठीक, तो ये गाइस मैंने ये लिया, इसे मैं पहले थोड़ा साफ कर लूँ, तो इसमें मैं लगा देता हूँ पहले छोटे छोटे पीसेस। पहले इसके मैं लगाऊंगा लेग में इस तरह, आप इसमें कट लगा दीजिए ताकि जो हमारा मसाले होंगे रोस्टेड मसाले, मतलब जो रोस्टेड चिकन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो इनके अंदर तक बारीकी तरह से घुस जाएंगे, मतलब जिससे टेस्ट चिकन के हर पीसेज में अंदर से अच्छे से मिल जाएगा और टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा। तो ये चेस्ट में लगा दिया लेग पीस, इसके जो लेग है उस पर ही मैंने लगा दिए। अब इसके बैक साइड कुछ कट लगा देता हूँ, आप इस तरह यूँ कट लगा सकते हैं, और इसकी ये ठीक है, इसमें मैंने कट लगा दिया। अब तैयारी करते हैं इसका मसाला बनाने की, इसके लिए तो गाइस सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा क्या, जो मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैंने अभी खुद तैयार किया था, तो इसमें डालने वाला हूँ मैं ये। पेस्ट में मिला हुआ है क्या, धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चियाँ, तो इसे मैंने इस पर डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगा क्या, दही। तो आप दही का यूज़ बिल्कुल करें, आप देखते रहिए किस तरह। अब मैंने इस पर ये दही मिला दिया। ठीक है, तो भाई इसमें अब मैं मिलाता हूँ क्या, कश्मीरी लाल मिर्च, जो रेडीमेड पाउडर मार्केट से लेके आया मैं भी, तो उसे मैं डालूँगा। मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, आपको जिस हिसाब से तीखा बन जाइए, तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा बन लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा आपका ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च पिसी हुई, तो इसे यूज़ कर दिया मैंने इसमें। और इसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ क्या, कसूरी मेथी, इसे टेस्ट और अच्छा आ जाता है, इसमें मतलब एक खुशबू आती है ना जो बहुत बेहतरीन आती है भाई। तो आप एक बार जब भी आप कुछ नॉन वेज आइटम बनाएं तो उसमें कसूरी मेथी डालना ना भूलें। और इसमें थोड़ा मैं यूज़ करने वाला हूँ क्या, थोड़ा रेड कलर, आप चाहे आप कर सकते हैं या ना भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा करने वाला हूँ। और तो गाइस मैं अब डालूँगा आपका नमक, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया। और ये डालूंगा इसमें मिक्स, ये पाउडर है मसाला, मतलब क्या, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च। अब इसमें मैं थोड़ा यूज़ करने वाला हूँ क्या, ये चिकन मसाला। ठीक है, आप चाहिए ना मसाला क्या कर सकते हैं अलग से, मतलब चिकन मैंने क्या करती गलती ये करती कि चिकन मैंने पहले डाल दिया और मसाले उसके, बट करने मुझे तैयार करना था पहले इसका एक घोल तैयार करना था मसाले का, बट कोई नहीं बातें किया चलो कर लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बट। ठीक है, तो गाइस इसमें एक और चीज़ मैं मिला रहा हूँ, ये अंडा, ये देखिए मैंने इसमें अंडा डाल दिया,
अब मैं इसके मसाले को रेडी करता हूँ, ठीक है, हाथ से। तो ये गाइस पूरा अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, तो मैंने एक चीज़ नहीं की, मैं इसे चेक करूँगा। हाँ, मसाला एकदम स्वादिष्ट बन रहा है, तो ये भी रेडी हो चुका है। इसमें मैरिनेशन के लिए इसे मैं छोड़ देता हूँ, कम से कम आपके आधा घंटा छोड़ दूंगा, या ज़्यादा टाइम भी ले सकते हो कितना, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लोगे उतना अच्छे से मैं मसाले घुल जाएंगे। और मैं इसे थोड़ा छोड़ देता हूँ आधे घंटे तक, फिर मैं आपको एक बार इसका गोल गोल राउंड करके कैमरा दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने इसका मिक्सचर तैयार करके इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया, तैयार किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, ये तैयार हो चुका है। इसे मैंने अच्छे से इस मसाले इस पर लेप लगा दिया है इसका, तो इसे मैं कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगा। तो ये गाइस, मैं इसमें एक चीज़ डालना भूल गया था, नींबू, वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, वो मैं दिखा नहीं पाया। और साथ में मैंने लिया कटोरी में क्या, ये दिख रहा होगा आपको, बटर। ये जब रोस्टेड होगा तो इसके ऊपर हल्के हल्के ब्रश से मैं इसमें बटर लगाता रहूँगा, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा निखर के आएगा। और इसी के साथ आधे घंटे लगभग हो चुके हैं, तो ये रहा मेरा मैरिनेशन के लिए जो चिकन छोड़ा था। अब मैं इसे नीचे ले चलता हूँ चूल्हे में, ठीक है, और फिर तैयार करते हैं हम अपना मैरिनेशन, रोस्टेड चिकन, ठीक है। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कमेंट बिल्कुल कर देना, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, देखो इतनी ठंड में आपके लिए मैं रोस्टेड चिकन बना रहा हूँ भाई, देख लो भाई, कर देना है, ठीक है गाइस। तो चलते जल्दी जल्दी चूल्हे पे, तो वहाँ पे मैं इसे जल्दी से भूनता हूँ। ओके, लेट्स गो। हल्के से पलटाना ना, टूटे ना बस, हाँ बस बस ठीक है, ठीक है। मक्खन लगेगा इसमें, मक्खन, ये देखो बढ़िया तरीके से। वो तो जल गया। क्या जल गया, वो जला नहीं हो, ऐसे ही हो, थोड़ा लगाएंगे लेट में, थोड़ा रोस्टेड होने दो से पूरा। तो गाइस, जब तक चिकन रोस्टेड होता है तब तक मैं ये दिखाई दे रहा आपको, शायद अभी लाइटिंग है नहीं इतनी, तो मैं लेके जा रहा हूँ तब सीरो को घुमाने, इसे बाथरूम करवा के आ जाते हैं, ठीक है। जब तक तो वेट करना, अभी भूनने के लिए मैंने उसे छोड़ रखा है, हल्की आँच में, मतलब लकड़ियाँ कम लगा रखी, ठीक है, तब तक इसे घुमा के लेके आता हूँ। तो सीरो को मैंने खुला छोड़ दिया यहाँ पे, वो अपना जो भी उसका बाथरूम वगैरह वो कर लेगा। तो अभी मतलब टाइम हो चुका है कितना, 7:30 हो चुकी है, तो ठंड भी हवाएं चल रही है काफ़ी, कपड़े भी नहीं पहन लगे, कोई नहीं, उसके बाद गर्मा गर्म चिकन खाएंगे ना रोस्टेड वाला, गर्मी आ जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो आप वेट करते रहो। सीरो कितना बना हुआ दिखा तो, अच्छा इसमें थोड़े ये भी लगाना ना, बटर बटर शिकार भात, शिकार भात, शिकार भात कुकड़ी, और इसमें फूक मारते हैं, आग बुझ गई थोड़ा, रुक मैं मारो 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 लो मारो, बस 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 छोड़ दो, हो गया। तो अभी तो इतना तैयार हो गया, थोड़ा और पका, पापा जी को देना मम्मी थोड़ा, तब मैं फोन काट रही, ये पानी छोड़ रहा यार, पापा जी को दे, तब मैं फोन काट रही, क्या बोल रहे हो, कुछ ना। तो ये तैयार हो चुका है, अब हम इसे ले जाएंगे ऊपर, वो प्लेट देता हूँ इसे तेरे ऊपर है, परात, हाँ इसमें लेके जाएंगे ना, चलो इसमें डालेंगे इसे हम, ये तो हमारा रोस्टेड चिकन तैयार हो चुका है। थोड़ा वो क्या, हमारे पास कोयला होता है, मतलब अंगारे होते हैं, तो काफ़ी अच्छा बन जाता है, बट आग में ही होता है ना, तेज़ आग में ही होता है, आँच में थोड़ा हल्का फुल्का जल जाता है, जिसकी वजह से थोड़े काला कोला दिख जाता है, बट स्टिल बढ़िया होता है, मज़ा आता है। तो अभी ऊपर चलते हैं, इसकी थोड़ा गार्निशिंग वगैरह करेंगे हम, ठीक है, तब इसे खाएंगे, और एक बार मुझे बताना कैसा बना हुआ है, ठीक है, ओके हम चलते हैं ऊपर अभी। तो ये गाइस, ये हमारा
आहा मजेदार रोस्टेड चिकन एकदम मतलब चूल्हे में तैयार किया हुआ है। इसकी वजह से थोड़ा हल्का फुल्का जो आपको ये काला दिखे ना थोड़ा ये ज़्यादा जला हुआ है, बट बहुत मज़ा आता है। तो इसकी मैं अभी गार्निशिंग करता हूँ, कटिंग वगैरह करता हूँ, उसके बाद इसे हम खाएंगे। तो गाइस इसमें मैं मिलाता हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ मम्मी थोड़ा ऊपर का कैमरा से, कल दुआरी ने मेरी बस। इसमें अभी लगा रहे हैं हम बटर, मैं यहाँ दिखा मम्मी थोड़ा इसमें दिखा कैमरा, देखो इसमें हम थोड़ा बटर लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम करेंगे धनिया से गार्निशिंग। आराम से काटो है लेग पीस, खाएंगे चिकन लेग पीस, ठीक है। प्रथम प्रथम है मजा। तो कैसे बन रखा है चिकन लेग पीस, कैसे बना है ये बता, कैसे बना हुआ है बोलना, कैसे बना हुआ है जल्दी बता बता, अच्छा बना हुआ है बोल, तब ठीक है। तो ये गाइस फाइनली से मैंने थोड़ा बहुत जितना मैं वो क्या गार्निशिंग करनी थी वो कर दी, तो इसका हम टेस्ट इसे चेक करेंगे और चेक क्या मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका एक पीस ये निकाल लेता हूँ और ये धनिया के साथ, वाह बेहतरीन मज़ा आ गया। टेस्ट जो बटर का इसमें टेस्ट होता है ना मज़ेदार हो रहा है, मतलब नमक मिर्च सब एकदम परफेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको एक बार फ्री दिखा देता हूँ और सीरो भी इंतज़ार कर रहा है मुझे कब मिलेगा। तो गाइस आज के जो ब्लॉग था मेरा रोस्टेड चिकन का जो मैंने बनाया, तो वीडियो पसंद आएगी लाइक जरूर करना एंड वीडियो देखो सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल, एक बार नज़र नवा लेना नीचे जहाँ पे लिखा रहता है SUB सब्सक्राइब लिखा होता है, उसे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय गढ़वाल एंड राजी रहा खुशी रहा, थैंक यू सो मच।